हे नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सो उमेन। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे, एक दादा ने कमेंट किया है, सचिन गोपे दादा ने, कि इंडिया में कौन कौन सा बर्ड्स बैंडेड है इसके बारे में। तो देखिए, कौन कौन सा बर्ड्स बैंडेड है पर्टिकुलर तो मुझे नहीं मालूम कि ये बर्ड बैंड हो गया है मोबाइल की तरह, ये मोबाइल बैंड है, बाइक बैंड है, तो बर्ड भी बैंड है, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ बर्ड्स हैं, कुछ कुछ एनिमल हैं जो हम लोग घर में पाल नहीं सकते, ठीक है। जो इंडियन जितने भी बर्ड्स हैं, जैसे आउल्स हो गया, रिंगनेक्स हो गया, आपका स्पैरो मुनिया, बहुत सारे मुनिया होते हैं, ठीक है, अलेक्जेंडर ब्लैक पैराकीट, प्लामेटेड पैराकीट, ये सब जो है कि आप लोग घर में पाल नहीं सकते। ऐसा ब्रीडिंग, ऐसा सेल, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बहुत सारे इंडियन एनिमल है, जैसे कि मोनबोसे हो गया, बहुत सारे टर्टल्स हैं, कछुए हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग घर में पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते। मैं जब मार्केट जाता हूँ, गैलेक्सी मार्केट या लोकल जो मार्केट है, तो देखता हूँ कि वो लोग वाइल्ड लाइफ वाले डिपार्टमेंट लोग वो ना एक कैंप लगाते हैं, बहुत सारे टर्टल कछुए बर्ड्स के पिक्चर लगा देते हैं, इंडियन जो जो बर्ड्स हैं, कि ये सब बर्ड्स लुप्त हो रहे हैं, मतलब जंगल से गायब हो रहे हैं। तो आप लोग दया करके, कृपा करके, ये सब बर्ड्स आप लोग मत बाय करना, मत पकड़ना, घर में ऐसा केज में मत रखना, ठीक है, यही सब बोलते हैं। बाकी यही है, बैंड या इलीगल बोला जाए तो, मतलब आप लोग घर में रख नहीं सकते, पाल नहीं सकते, ब्रीड नहीं करा सकते। बाकी अगर आप एग्जॉटिक की बोला जाए तो ये जो सनकनूर है, इसे एग्जॉटिक बोला जाता है, ये भी इन डेंजर्ड स्पीसीज है। आप इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में हम इस बर्ड को छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये बर्ड जहाँ का है, जिस जगह से, जिस देश से, जिस जंगल से है ये बर्ड, वो जगह से ये बर्ड इन डेंजर स्पीसीज में आता है, ठीक है। मतलब ये इसका आबादी ख़त्म हो गया है पूरा जंगलों में, इतना लार्ज क्वांटिटी में इसका एक्सपोर्ट हुआ है, इसका ट्रेडिंग हुआ है। IUCN जो संस्था है, इसने बोल दिया है साफ साफ कि ये बर्ड लगभग जंगलों से गायब हो गया है, ठीक है। बिकॉज कारण क्या है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ट्रेडिंग वगैरह हुआ है, इसलिए सनकनूर इनडेंजर स्पीसीज में आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है एग्जॉटिक के तौर पर, हम लोग ऐसे रख सकते हैं एग्जॉटिक के तौर पर, क्योंकि ये इंडिया का नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, टर्टल्स हैं, ये मतलब ना रखें, मतलब ये भी धीरे धीरे इनडेंजर में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो लगभग गायब भी हो चुका है, देखने को ही नहीं मिलता है। मैं जब बचपन में था तो बहुत कुछ बर्ड्स, बहुत कुछ एनिमल्स देखने को मिलता था हमें, मैं देखता था, लेकिन अभी वो सब बर्ड्स एनिमल देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है। इसके लिए ही हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो नॉर्मल पब्लिक को जागरूक करते हैं, लोग जानते नहीं हैं तो जंगलों से पकड़ के पाल लेते हैं, केज में छोटे से रख देते हैं शौक के तौर पर। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बता दिया जा रहा है कि भाई ये सब बर्ड्स, ये सब एनिमल आप लोग मत पालिए, घर में मत रखिए। इस कारण क्या होता है कि जंगलों में इसकी आबादी घट रही है, ठीक है। जितने आप लोग जितना उसको बाय करोगे, जितना शौक से पसंद करोगे, उतना कुछ जो चोरा करवाड़ी बोलते हैं ना, जो कुछ सेलर है, कुछ ट्रेडर है जंगल से, वो लोग पकड़ पकड़ के वो बर्ड्स को सेल करते हैं। जितना आप उसको उसको जितना प्यार दिखाओगे, जितना मोहब्बत दिखाओगे लोकल बर्ड्स में, हमारे इंडिया के जो बर्ड्स हैं, आप लोग जितना पालना चाहोगे, जितना खरीदोगे, उतना ही वो लोग सप्लाई करेंगे ट्रेडर लोग, और जंगलों से पकड़ पकड़ के उसका छोटे छोटे बच्चा, एडल्ट सबको मार्केट में सेल करोगे और आप लोग खरीद लोगे। इसके लिए ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनजीओ से लोग आते हैं और कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि पिक्चर दिखा के ये सब आप लोग घर में मत रखिए, घर में मत पालिए। रीज़न एक ही है कि इसका आबादी घट रहा है, सब जा रहा है, ठीक है। ये सब ऐसे भी जा रहा है क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं हम लोग काट रहे हैं, उसका घर नहीं है, खाने का जगह नहीं है, फ्रूट्स वगैरह भी तो नहीं, ना के बराबर हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारा बर्ड्स हैं जो गायब हो रहा है खाने के कारण, फूड के कारण, ठीक से नेस्टिंग बॉक्स, उसको नेस्ट की जगह है वो नहीं मिल पा रही है, इसके लिए भी आबादी घट रही है, और ये ट्रेडिंग के कारण भी घट रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेल खरीद लेते हैं, बहुत से लोग फीमेल खरीद लेते हैं, एक एक बर्ड्स को शौक के तौर पर ऐसे हैंड टेम करके एक ही सिंगल पीस को रखते हैं, उसका जोड़ा नहीं बनाते हैं, ब्रीड बच्चा नहीं करके उसका आगे उसका फ्यूचर को ग्रो नहीं करते हैं, सिंगल सिंगल रखते हैं। इसके वजह से क्या है, वो एक दिन एक्सपायर हो जाता है, वो मेल
वो फीमेल जिसके पास एक दिन एक्सपायर हो जाती है। इसके कारण क्या हुआ है, वो म्यूटेशन खत्म। मान लो कि एक तरीके का मैकाओ मैं देख रहा था ब्लू कलर का, वो मैकाओ लगभग वो भी एंडेंजर स्पीसीज में आता, मतलब खत्म हो गया है जंगल से पूरा। फिर उसको लेके उसको ब्रीड कराया जा रहा है, उसके अंडे को ब्रूडर में रख के हैंड फीड करा के बच्चे को बड़े करके उसको फिर से वो म्यूटेशन को ग्रो बहुत सारा किया गया है। एक यूट्यूब चैनल है वो वीडियो कुछ बनाया था, तो ये सब मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये जो इंडियन बर्ड्स हैं, हाँ, इसको ही बैंडेड या इलीगल बोला गया है। बर्ड को नहीं, मोबाइल की तरह बर्ड को नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को इलीगल बोला गया है। ये ऐसा काम आप लोग मत करें। इंडियन एनिमल्स की बात कीजिए, मुनमुसे है, ये मुनमुसे भी सेम है, ये भी जंगलों से कम हो रहा है, ठीक तरीके से नहीं हो रहा है इसका जो है कि फार्मिंग वगैरह ग्रो जितना होना चाहिए था इसका नहीं हो रहा है। इसलिए अगर सरकार इसको कुछ ध्यान लगाए, इसका फार्मिंग करे, मतलब मुनमुसे जो होता है वो ऐसे मेल फीमेल को रख के कहीं जगह पे ब्रीडिंग कराए, बच्चे और करे जंगलों में छोड़े, तो ठीक बात है, सही है। नॉर्मल पब्लिक ऐसा नहीं काम करती है, मेल फीमेल को पकड़ के ऐसे जगह में ब्रीडिंग नहीं कराती है। वो लोग सिंगल सिंगल मुनमुसे को रखते हैं, जो नेवला बोलते हैं हम लोग, सिंगल मेल और सिंगल फीमेल को रखती है और ऐसे ही पालती हैं। एक दिन बाद वो जब एज हो जाता है वो एक्सपायर हो जाती है, किसी का मेल मुनमुसे एक्सपायर हो गया, किसी का नेवला एक्सपायर हो गया, ऐसे करके वो म्यूटेशन ख़त्म हो जा रहा है। सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे रही है, जू में बात किया जाए तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देखने को मिलता है, मतलब ब्रीडिंग के लिए उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है उनको, बस नॉर्मली ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही मतलब रखा जाता है केज में उसको, उस म्यूटेशन को। ब्रीडिंग का उतना ध्यान वो लोग नहीं रखते। और बहुत सारे डिफरेंट ऐसे जो प्रकल्प बोलते हैं हम लोग, प्रकल्प भी है, मतलब छोटा छोटा, जू जैसा नहीं है, छोटा छोटा 10-5 रुपये का टिकट सिस्टम पे हमारे भी है क्या, वो कुछ कुमीर जो क्रोकोडाइल रखा जाता है, कुछ हरिन डियर रखा जाता है, कुछ रिंग नेक पीकॉक रखा जाता है, बस रखा ही जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ये म्यूटेशन को हम लोग रखेंगे ताकि ख़त्म ना हो, लेकिन वो तो है, लेकिन एक दिन वो मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक दिन आता है जो सनकुनियर 25-30 साल जीता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें इससे कुछ बच्चा लेना है, कुछ चिक्स लेना है, और इसको जो स्पीसीज है इसको ज़िंदा रखना है। तो जो जू वाले हैं या जो छोटे छोटे जो प्रकल्प वाले हैं, संस्था है, वो लोग उतना ब्रीडिंग पे फोकस नहीं करते, जस्ट रखते हैं। और वो लोग ब्रीडिंग पे बहुत अच्छी तरह से फोकस करेंगे तो ये जो म्यूटेशन है, रिंगनेक्स वगैरह या अलेक्जेंडर जो भी है, वो और ग्रो करेगा। इसके बारे में मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जो लोग वो उसको मेंटेन कर रही है, मतलब जो लोग उसको में संभाल रही है जू में या कहीं पे भी, तो उन लोगों को थोड़ा ब्रीडिंग पे फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी यही है, जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना हमसे सारे दोस्तों के साथ।